हर लड़की अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होती है और उससे कई गुना ज्यादा अपने सुहाग रात के लिए होती है। इस रात के लिए बहुत सारे सपने सजाए रहती है। कुछ ऐसा ही मेरे साथ हुआ। मेरी शादी हुए आज 3 दिन हो गए थे, मगर मेरा पति मेरे कमरे में सोने की बजाय मेरी ननंद के कमरे में सोता था। मैं पूछती तो कहता कि मेरी बहन को एक बीमारी है। रात होते ही उसको दौरे पड़ते हैं और वे अपनी जान लेने की कोशिश करती है। एक रात अचानक मैं अपनी ननद के कमरे में गई तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई, क्योंकि वह तो मेरी ननद। आज मेरी शादी थी और हर लड़की की तरह मेरे दिल में भी चारों अरमान थे और मैं बस यही चाहती थी कि मेरा पति बहुत प्यार और मोहब्बत करने वाला हो, इज्जत करने वाला हो। पार्लर में जब मैं दुल्हन बनकर तैयार हुई थी और खुद को शीशे में देखा तो खुद को पहचान नहीं पाई थी। दिल से बेसाख्ता दुआ निकली थी कि काश मेरा पति मुझे पसंद करे और मुझे पूरी जिंदगी इज्जत, सम्मान और मोहब्बत के साथ रखें। पार्लर वाली ने जब मुझे तैयार कर दिया तो कहा, आज तो तुम बहुत ही खूबसूरत लग रही हो, तुम्हारा पति तुम्हें देखते ही अपने होश खो देगा, तुम्हारा दीवाना हो जाएगा। और ये सुनकर मैं शर्मा गई। मैं पार्लर से अपनी सहेलियों के साथ मेरे ढोल की तरफ जा रही थी जब गाड़ी सिग्नल पर रुकी। मैंने टाइम पास के लिए इधर उधर देखना शुरू किया। जब मैंने सामने वाली कार में देखा तो मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई। हमारे बगल में जो गाड़ी खड़ी थी उसमें एक लड़का और एक लड़की बैठे हुए थे। हैरानी वाली बात ये नहीं थी कि लड़का लड़की बैठे थे, बल्कि ये थी कि वह लड़की मेरी ननद थी। मेरी ननद को तो उस वक्त मेरे झोल में होना चाहिए था, क्योंकि मुझे मेरी माँ ने फोन करके बताया था कि बारात आ चुकी है। तो ये इस वक्त इस लड़के के साथ यहाँ क्या कर रही है और फिर यह लड़का कौन है? मेरी ननंद ने उस वक्त जीन्स टी शर्ट पहन रखी थी और जिस तरह आराम से बैठी थी, जिससे साफ पता लग रहा था कि मेरी ननंद को शादी में आने का कोई इरादा नहीं है। मैं हैरत से आंखें फाड़े उस गाड़ी की तरफ देख रही थी। तभी अचानक सिग्नल खुला। मुझे लगा शायद उसने भी मुझे देख लिया है, क्योंकि अब वह गाड़ी दूसरी तरफ मुड़ गई थी। मैं बहुत परेशान हो गई थी। इसी तरह खुद से उलझती हुई मैरिज हॉल पहुंची। बारात आ चुकी थी, पूरा मैरिज हॉल भरा हुआ था। शादी की रस्में शुरू हो चुकी थी। सारा वक्त मैं अपनी ननद को तलाश करती रही थी, मगर वे मुझे कहीं नजर नहीं आई थी। इसका मतलब तो यही था कि मेरी नजरों का वे धोखा नहीं था, मैंने सच में ही उसे देखा था। जब मेरी शादी हो गई, तो मैंने अपने पति से कहा, अपनी बहन को तो बुलाइए, मुझे मुबारकबाद भी नहीं दी। उसने मेरा पति कहने लगा, अच्छा मैं उसे तलाश करके लाता हूँ, यहीं कहीं मेहमानों में बैठी होगी। मुझे पूरा विश्वास था कि वो नहीं मिलेगी, मगर मेरी तो हैरत की हद ना रही जब पति के साथ उसे आते देखा। उस वक्त वह कोई और लड़की लग रही थी। सुंदर सा लहंगा पहने, हाथों में मैचिंग चूड़ियां और फुल मेकअप, ऐसा लग रहा था कि उस गाड़ी में ये थी या कोई और, लेकिन मेरे दिल में शक तो था। लेकिन ये सही वक्त नहीं था कि मैं अपनी तरफ से अपनी ननद से सवाल जवाब करती, इसलिए मुस्कुरा कर उससे मिलने लगी। लेकिन शक मेरे दिल में बैठ चुका था। जब विदाई होने लगी तो मेरी ननंद कहने लगी, भाई आप भाभी के साथ एक गाड़ी में चले जाएं, मैं दूसरी कार में आ जाती हूँ। इससे पहले मेरी ननंद दूसरी गाड़ी की तरफ बढ़ती, मेरे पति ने जल्दी से उसका हाथ पकड़कर उसी गाड़ी में बिठा दिया और कहने लगा, तुम जानती हो ना 2 मिनट भी मेरी नजरों से तुम दूर नहीं हो सकती। अगर तुम मुझसे दूर हो जाती हो तो मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। मेरी ननद मुस्कुराते हुए गाड़ी के अंदर बैठ गई। मैं उन बहन भाइयों की आंखों ही आंखों में होने वाली बातों को समझने की कोशिश कर रही थी कि आखिर उन दोनों के बीच क्या चल रहा है, मगर मैं अपनी कोशिश में नाकाम रही। गाड़ी घर के आगे रुकी। मेरी ननंद ही मुझे कमरे में छोड़ने आई। मुझे बेड पर बैठा कर कहने लगी, भाई को आज की रात इस कमरे से बाहर मत निकलने देना, वरना बहुत पछताओगे। उसके अजीबोगरीब बात पर मैं दंग रह गई। लेकिन कुछ
बोल ना सकी, बस चुप रह गई और सोचने लगी, इसका दिमाग खराब है। भले शादी की पहली रात कोई पति अपनी पत्नी को छोड़कर कहाँ जाएगा, वह मुझे अजीब से अंदाज में देखते हुए चली गई। थोड़ी देर में मेरा पति अंदर आ गया, वह बहुत जल्दी में था। उसने कमरे में आते ही अलमारी से एक डिब्बी निकाली और मुझे देकर कहने लगा, इसमें तुम्हारी मुंह दिखाई का गिफ्ट है, मैं अभी जा रहा हूँ, सुबह हम बात करते हैं। वह बात खत्म करके जा चुका था और मैं सदमे की हालत में बैठी रह गई। यह सब आनंद फानन में हुआ था और मुझे कुछ कहने का मौका भी नहीं मिला था। मुझे अचानक ही अपनी ननद की बातें याद आई। उसने कहा था कि अपने पति को अपने पास रखना, कहीं बाहर मत जाने देना। उसका मतलब तो यही था कि उसे मालूम था कि आज की रात भी मेरा पति बाहर जाने वाला है, वह मेरे साथ रात नहीं बिताने वाला। यह सब सवाल मेरे दिमाग में आते चले गए और ये सब सवाल मेरे दिमाग में शक भी पैदा कर रहे थे, मेरे साथ कुछ गलत तो नहीं होने वाला। मैं इस परिवार को अभी ठीक से जानती तक भी नहीं थी। ननद से भी बस दो चार मुलाकात ही हुई थी और मैं उसको अभी तक समझ नहीं पाई थी। दूसरी तरफ महेंद्र था, उसे तो मेरे पास बैठना चाहिए था। आज तो हमारी सुहागरात थी, मुझसे प्यार मोहब्बत की बातें करता, जबकि वह तो मुझे छोड़कर ना जाने कहां जा चुका था। ये शादी रिश्ते कराने वाली मेरी एक मौसी ने कराई थी। मेरी माँ चाहती थी कि मेरी शादी किसी ऐसी जगह पर हो जहां ससुराल वालों का झंझट ना हो। जानने वाले में तो मेरे जोड़ का रिश्ता नहीं था और आसपास से जो लोग रिश्ते के सिलसिले में आते थे उन्हें मेरी माँ खुद मना कर देती थी। कहती, मैं अपनी बेटी की शादी ऐसे खानदान में करूंगी जहां लड़का अकेला हो, ताकि मेरी बेटी राज करे। मेरी माँ ने खुद 20 साल तक जॉइंट फैमिली में गुजारे थे और वहाँ रोज लड़ाइयाँ ही होती थी। मेरी दादी और मेरी ताई चाची ने मेरी माँ का जीना दुश्वार कर रखा था। हम जितने साल उस घर में रहे हमें दिमागी आराम नहीं मिल सका था। कभी बुआ पहुँच जाती तो कभी चाची या फिर ताई जी, जरा जरा सी बात पर घर में हंगामा मच जाता था। इससे बचने के लिए ही मेरी माँ ने मेरे पापा पर जोर डाला कि अलग घर पर रहो, लेकिन मेरे पापा अपनों से अलग होना नहीं चाहते थे। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने खुद उस घर से निकलने का फैसला कर लिया। उस दिन मेरी बड़ी बहन के सिलसिले में कुछ लोग आए थे और ये बात चाची और ताई को गवारा नहीं थी। उन्होंने जानबूझकर घर में लड़ाई शुरू कर दी और ऊंची आवाज में मेरी बहन पर झूठे इल्जाम लगाने लगे। वो लोग अच्छे खाते पीते लोग थे और हमारी बहुत ख्वाहिश थी कि दीदी की शादी वहाँ पर हो जाए, मगर उन लोगों ने ये कहकर इनकार कर दिया कि उनको हमारे घर का माहौल पसंद नहीं आया। उस दिन मेरे पापा को एहसास हुआ कि अलग घर लेकर ही रहना ज्यादा ठीक रहेगा। फिर हम लोग किराए के मकान में शिफ्ट हुए। कुछ समय बाद मेरी दीदी की शादी हुई, मगर वे भी भरे पूरे खानदान में गई थी। बेचारी हर वक्त तो अपने ससुराल वालों के रोने रोती रहती और कूदती रहती थी। इसलिए मेरी माँ ने अब फैसला किया कि मेरी शादी किसी छोटे परिवार में करेंगे जहाँ लड़का अकेला हो। हालांकि मेरे पापा ने कहा था, किसी अकेले लड़के पर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं, माँ बाप होते हैं, भाई बहन होते हैं, तो लड़का उनकी नजरों में होता है और उसके बिगड़ने के चांस कम होते हैं, लेकिन अकेला लड़का जल्दी बह जाता है और गलत कामों में पड़ जाता है। ऐसे ही हम किसी अकेले अनजान लड़के को अपने लड़की नहीं सौंप सकते, लेकिन मेरी माँ ने जो सोच लिया था वह पूरा करना चाहती थी। बहुत मुश्किल से ये रिश्ता मिला था। लड़के की सिर्फ एक ही बहन थी और वे अच्छे खाते पीते लोग थे। माँ को यह रिश्ता बहुत पसंद आया, इसलिए रिश्ते वाले से कहा, जो भी हो मेरी बेटी का वहीं पर रिश्ता पक्का कराओ। नसीब में यही था, इसलिए यही शादी हो गई। मैंने अपनी माँ से भी कहा था कि आन जान लोग हैं, इसलिए अच्छी तरह पता करवा ले, मगर अम्मा ने कहा कि मैंने सब पता करवा लिया है, लड़का बहुत ही अच्छा है। अब मैं सोच कर परेशान हो रही थी कि शादी की पहली रात मुझे महेंद्र यूँ छोड़कर कहाँ चला गया। ऐसा तो तभी होता है जब दूसरा किसी गलत काम में बढ़ा हुआ हो।
यानी कि पति का कहीं दूसरी औरत से चक्कर हो। सारी रात मेरी परेशानी में गुजरी। मैं अपने पति का इंतजार करती रही लेकिन वह नहीं आया। सुबह 6 बजे मैंने सोचा कि अपनी ननद से जाकर पूछती हूँ, उसे तो जरूर पता होगा कि उसका भाई कहाँ है। मैंने अपनी ननद के कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी और ये देखकर मेरे चेहरे का रंग उड़ गया कि दरवाजा तो मेरे पति महेंद्र ने खोला था। मैं एकदम चौंक गई। वे अपने बहन के कमरे में क्या कर रहा था? मेरे चेहरे के एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए थे। मैं गुस्से में बिना कुछ कहे अपने कमरे में चली आई। उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था कि वे अपनी बहन के कमरे में क्यों था। मुझे गलत नहीं सोचना चाहिए था। मैं सारे गलत ख्याल दिमाग से दिल में नहीं लाना चाहती थी लेकिन हालात मेरे दिमाग में शक पैदा कर रहे थे। महेंद्र मेरे पीछे पीछे चला आया और कहने लगा, मेरी बहन बीमार है, थोड़ी सी दिमागी मरीज भी है, उसे रात को दौरे पड़ते हैं और अक्सर वो खुद को नुकसान पहुंचा देती है, इसलिए मुझे रात को उसके पास रुकना पड़ता है ताकि वे खुद को नुकसान ना पहुंचा दे। जब महेंद्र ने यह बात मुझे बताई तो मुझे शर्मिंदगी हुई कि कितना अच्छा कितना ख्याल करने वाला इंसान है और मैं उस पर शक कर रही थी। कुछ देर बाद उसकी बहन भी उठ गई। सारा दिन मेरी ननद मेरे साथ रही थी। घर में खूब सारे मेहमान इकट्ठा थे क्योंकि अभी शादी की कुछ और रस्में बाकी बची थी। मेरे मुंह दिखाई भी हो रही थी। सारा समय मेरी ननद मेरे साथ ही रहे और मेहमानों से हंस हंस कर बातें भी कर रही थी। उसे देखकर हरगिज भी नहीं लगता था कि वे दिमागी मरीज हो सकती है। रात को फिर महेंद्र यही कहकर कमरे से बाहर चला गया कि मुझे अपनी बहन के कमरे में सोना पड़ेगा। ये कहकर वह चला गया और मैं सोचने लगी कि उसे अगर अपनी बहन का ही ख्याल रखना था तो फिर मुझसे शादी ही क्यों की। ऐसा भला कब तक चलता रहेगा? कब तक रोज रात को अपनी बहन के कमरे में जाकर सोया करेगा? मैं 2 दिन की दुल्हन थी, मेरे भी कुछ अरमान थे लेकिन महेंद्र को तो मेरे अरमानों की कोई परवाह ही नहीं थी। तीसरी रात भी महेंद्र अपनी बहन के कमरे में जाकर सो गया। आज तीसरा दिन था और मैं इस सबसे बुरी तरह तंग आ गई थी। चौथी रात में जब महेंद्र अपनी बहन के कमरे में चला गया तो मुझे उस समय बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। मैं बेड पर करवटें बदलती रही लेकिन मुझे नींद नहीं आ रही थी। रात के 12 बजे जाकर मैंने अपनी ननद के कमरे का दरवाजा खटखटाया लेकिन शायद वे दोनों गहरी नींद में सोए हुए थे, उन्होंने दरवाजा नहीं खोला। यह सब क्या हो रहा था? वे दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे थे? मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। काफी देर दरवाजा खटखटाने के बाद मैं अपने कमरे में आ गई। सुबह जब महेंद्र कमरे में आया तो मैं उस पर बरस पड़ी और पूछा कि कल रात तुमने दरवाजा क्यों नहीं खोला? तो मुझे तसल्ली देते हुए कहने लगा कि मैं गहरी नींद में था इसलिए पता नहीं चल सका। मैंने महेंद्र से कहा कि तुम अपनी बहन के कमरे में सोते हो तो दरवाजा लॉक क्यों होता है? दरवाजा खुला रखा करो। मेरे सवाल पर वे बौखला गया और एकदम घबरा गया था। कहने लगा, तुम्हें बताया तो था कि वे दिमाग की मरीज है और उसे दौरे पड़ते हैं, इसलिए उसकी सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए मैं कमरे को लॉक कर लेता हूँ, लेकिन मैं किसी भी तरह महेंद्र का पीछा छोड़ने को तैयार नहीं थी। मैंने कहा, तुम्हें यही डर है ना, तो मैं तुम्हारी बहन के साथ सो जाया करूंगी, उसका ख्याल रखूंगी, तुम अपने कमरे में रहो। मेरा ऐसा कहने पर महेंद्र का मुंह खुला का खुला रह गया। उसे अब कुछ कहने के लिए बचा ही नहीं था। तभी अचानक बोला, जब तक मेरी बहन ठीक नहीं हो जाती मैं किसी को भी उसके पास या उसको किसी के पास नहीं रहने दे सकता। मैं रोने लगी। महेंद्र ने मुझे चुप भी नहीं करवाया और चला गया। थोड़ी देर बाद मेरी ननद मेरे कमरे में आई।
और मुझे चुप करवाने लगी और कहने लगी, मैंने तो रात भाई को बोला था कि भाभी दरवाजे पर दस्तक दे रही है, दरवाजा खोल दो, मगर भाई ने ही मना कर दिया। मेरी ननद बहुत डरी हुई लग रही थी। मैंने पूछा, क्या तुम्हें रात को दौरे पड़ते हैं इसलिए तुम्हारा भाई तुम्हारे कमरे में सोता है? मेरी बात सुनकर उसके चेहरे पर हैरानी के रंग दिखने लगे थे। मुझे कुछ कहना चाहती थी लेकिन उसने कुछ कहा नहीं और रोते हुए अपने कमरे में चली गई। उसका ये रवैया मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आया था। ऐसा क्या राज था? मेरा पति घर पर ही था, मेरे साथ रहने की बजाय हर समय साय की तरह अपनी बहन के पीछे पीछे ही था। यहाँ तक कि मेरी एक दोस्त ने मुझे और महेंद्र को एक पार्टी में बुलाया तो महेंद्र कहने लगा कि तुम अकेले चली जाओ और अगर मेरा जाना इतना ही जरूरी है तो मेरी बहन भी साथ जाएगी। मुझे बहुत ज्यादा हैरत हुई लेकिन मैंने सोचा चलो कोई बात नहीं, इसकी बहन को भी साथ ले जाते हैं। लेकिन मेरी ननद तो जाने के लिए तैयार ही नहीं थी। मेरी ननद ने मुझे इशारा भी किया कि मुझे साथ लेकर ना जाए, भाई के साथ चली जाओ। मैंने महेंद्र को बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन महेंद्र नहीं माना और उसे साथ लेकर ही पार्टी में गया। मैंने महसूस किया था कि मेरी ननद मेरे पति से काफी डरती है और मैंने ये भी नोट किया था कि महेंद्र मेरी ननद पर बहुत सख्ती करता है। उसके पास उसका अपना मोबाइल तक नहीं था और उसको घर से बाहर जाने की भी इजाजत नहीं थी। सारा दिन और सारी रात मेरा पति बस उसी के आगे पीछे घूमता रहता। मुझे तो जैसे उस घर में लाकर भूल ही गया था। एक दिन मैंने महेंद्र से कहा कि तुम्हारी बहन को दौरे पड़ते हैं तो चलो उसे किसी डॉक्टर के पास लेकर चलते हैं। महेंद्र कहने लगा, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं उसको दवा खिला रहा हूँ, उसका इलाज चल रहा है। उस दिन दोनों बहन भाई कहीं गए हुए थे कि मुझे एकदम अपने नंद के कमरे की तलाशी लेने का ख्याल आया और उसके कमरे में गई तो ना तो कोई गोलियां मिली ना ही कोई रिपोर्ट। तो फिर मेरा पति मुझसे झूठ क्यों बोल रहा था कि उसका इलाज करवा रहा था? अगर ऐसा होता तो कमरे में कुछ ऐसा जरूर मिलता जिससे यह बात साबित होती कि मेरी नंद को दोहरे पड़ते हैं। अब मुझे महेंद्र पर शक होने लगा था। डॉक्टर के पास ले जाने वाली बात भी महेंद्र ने नहीं मानी थी। मैं सोचने लगी अब मुझे क्या करना चाहिए। मैंने उसके कमरे की चाबी छुपा ली और कमरे में आ गई। वे दोनों शाम को वापस आए। मेरे पति ने आते ही मुझसे कहा, अब तुम्हारी परेशानी बहुत जल्दी खत्म होने वाली है, बस कुछ ही दिनों की बात है। मेरी ननद के चेहरे को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो रोती रही है। रात को फिर महेंद्र अपनी बहन के कमरे में चला गया लेकिन मैंने सोच लिया था कि मैं सारी सच्चाई जानकर रहूंगी। आखिर मेरे पति और मेरी ननद बंद कमरे में अकेले करते क्या है? चाबी तो मैंने छुपा ही ली थी। मैंने जल्दी से चाबी निकाली। रात का 2 बज रहा था। मैं जल्दी से कमरे का लॉक खोलकर अंदर चली आई। सामने का मंजर देखकर मेरी ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की नीचे रह गई। मैंने देखा कि मेरे पति ने मेरी नंद को रस्सियों से बांध रखा है और उसका सर अपने कंधे पर लेकर सो रहा है। मेरी ननद शायद जाग रही थी। मुझे देखकर इशारा करके बाहर जाने को कहा। मैं उसे देखकर दंग रह गई थी। मैं महेंद्र को जगाकर पूछना चाहती थी ये सब क्या है, मगर जब मेरी ननद ने मेरे सामने हाथ जोड़ दिए तो मैं बाहर आ गई। अपनी ननद की हालत देखकर मैं सदमे में आ गई थी। अब तो मुझे मेरी ननद दिमागी मरीज नहीं लग रही थी बल्कि महेंद्र दिमागी मरीज लग रहा था। पूरी रात मुझे नींद नहीं आई। मेरे दिलो दिमाग में हजारों सवाल चल रहे थे। मैं महेंद्र से पूछना चाहती थी कि आखिर उसने अपनी बहन को बांध कर क्यों रखा है। इसी उलझन में पूरी रात गुजर गई। सुबह होते ही मैंने बहाना बनाकर अपनी ननद को अपने कमरे में बुलाया और उससे पूछा कि रात को जो कुछ मैंने देखा वह सब किया था। तो मेरी ननद मेरी बात सुनकर रोने लगी और कहने लगी, जब से मम्मी और पापा इस दुनिया से गए हैं मेरे भाई का रवैया मुझसे बदल गया है। सारी प्रॉपर्टी पर अपना हक समझते हैं और रोज मुझसे कहते हैं कि अपने हिस्से की दौलत मेरे नाम कर दो।
मेरे पापा अपनी सारी दौलत को हम दोनों बहन भाइयों के नाम कर गए हैं। मैं मना करती हूँ तो मुझे मारते हैं और मुझे परेशान करते हैं। रात को भी मुझे रस्सियाँ से बांध देते हैं। वह मुझे हर पल तकलीफ देते हैं, जिससे कि मैं डर जाऊं और अपने हिस्से की प्रॉपर्टी उनके नाम कर दूं। मगर मैं ऐसा हरगिज नहीं करूंगी। अगर मैंने भाई को सारी प्रॉपर्टी दे दी तब भी भाई इसको अपने पास नहीं रखेंगे। मेरा भाई गलत आदतों में पढ़ा हुआ है। वह सारी दौलत उड़ा देगा। अपनी ननद के मुंह से ये सब बातें सुनकर मेरा सर चकरा गया। मेरी नसें फटने लगी। मेरा पति महेंद्र इतना गंदा आदमी हो सकता है? मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। अगर रात को मैं अपनी आँखों से ये सब कुछ देख ना लेती तो शायद मैं अपनी ननद की बातों पर विश्वास भी ना करती। लेकिन हकीकत तो मैंने खुद अपनी आँखों से देख ली थी। मेरी ननद मुझसे लिपट कर रोने लगी। भाभी मुझे यहाँ से कहीं भेज दो, मेरी जान बचा लो, नहीं तो मेरा भाई मुझे जान से मार देगा। मेरी जान बचा लो, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ। मुझे इस घर से कहीं दूर भगा दो। अब मैं उसको क्या कहती? उसे चुप करवाया और मैं सोच में पड़ गई कि अब मैं क्या करूँ। थोड़ी देर बाद महेंद्र मेरे पास आया और कहने लगा, मैंने अपनी बहन का रिश्ता तय कर दिया है। कल मैं उसको लड़का दिखाने लेकर गया था। अगले मंडे को मैं अपनी बहन को विदा कर दूंगा। मैं ये सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरी ननद तो कुछ और ही कह रही थी कि उसका भाई उसकी शादी किसी बूढ़े से करवा रहा था और बदले में उससे पैसे मांगे थे, और ये तो कह रहा था कि किसी लड़के से रिश्ता किया है। यह सब क्या था? मेरा पति कहने लगा, मैं बस यही चाहता हूँ कि अपनी बहन की जिम्मेदारियों से फ्री हो जाए। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। मम्मी पापा के बाद हम दोनों बहन भाई ही एक दूसरे का सहारा है। अपनी बहन की जिम्मेदारियों से फ्री होकर अपने माँ बाप को दिए हुए वादे से फ्री हो जाऊंगा। महेंद्र के मुंह से ये बातें सुनकर मुझे हैरत के झटके लग रहे थे। क्या मेरा पति महेंद्र झूठ बोल रहा था? कितनी साफ सफाई से झूठ बोल रहा था कि वह अपनी बहन को बहुत प्यार करता है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, कौन झूठ है कौन सच्चा। ये दोनों ही बहन भाई बहुत अजीब है। मेरे लिए ये फैसला करना मुश्किल था कि कौन सच बोल रहा है। महेंद्र ने मुझे उस लड़के की फोटो भी दिखाई थी। लड़का तो देखने में बहुत ही हैंडसम था और उम्र भी ज्यादा नहीं, 24-25 साल की उम्र थी कि जब मैंने यही बात अपनी ननद को बताई तो वह रोते हुए कहने लगी कि भाई झूठ बोल रहे हैं। भाई ने एक 55 साल के बुद्धे से ही मेरी शादी तय की है। बदले में वे बुड्ढा भाई को ढेर सारे पैसे देगा, जिसे भाई अपने बिजनेस को बढ़ाना चाहते हैं। शादी के नाम पर मेरे भाई मुझे बेच रहे हैं। मैं क्या करूं? ये कहकर मेरी ननद से सककर रोने लगी और मुझसे मदद मांगने लगी। मैं क्या मदद करती? मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा था। और अभी मेरी शादी को टाइम ही कितना हुआ था। मेरी ननद बार बार कह रही थी कि भाभी मुझे अब इस घर से कहीं भगा दो। मैंने अपनी ननद से कहा, अगर मैं तुम्हें यहाँ से भगा दूँ तो तुम कहाँ जाओगी? कहने लगी, अपनी एक दोस्त के घर चली जाऊंगी, एक वकील है मुझे बचा लेगी। मेरे पास तो फोन भी नहीं है, वरना उसको अब तक मदद के लिए बोल चुकी होती कि मैंने उसे अपना फोन दिया कि वे अपनी दोस्त से बात कर ले। उसने मेरे सामने ही अपनी दोस्त से बात कही, लेकिन उससे ज्यादा बात नहीं की थी, बस दो तीन बातें की कि मेरी भाभी मुझे घर से किसी ना किसी तरह निकाल देंगे और फिर मैं तुम्हारे घर आ जाऊंगी। उसने अपनी सहेली से कहा कि तुम मेरी मदद जरूर करना, मुझे विश्वास है कि तुम मेरा साथ जरूर दोगी। अपनी ननद के बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाने पर मैं अपनी ननद की मदद करने के लिए तैयार तो हो गई थी, लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल घबरा रहा था। फिर तय ये हुआ कि मैं महेंद्र को नींद की गोलियां दूध में मिलाकर पिला दूंगी। महेंद्र के सोने के बाद किसी बहाने उस रात को अपनी गाड़ी में छुपाकर उसकी दोस्त के घर पर छोड़ दूंगी, क्योंकि ड्राइवर को भी महेंद्र ने दस्तावेज दे रखे थे कि मेरी बहन कहीं भी बाहर नहीं जाने पाए। जैसे ही रात के 9 बजे मैंने महेंद्र के दूध में नींद की गोलियां मिला दी,
दूध पीते ही आधे घंटे के अंदर ही अंदर महेंद्र सो चुका था हमारे पास यही मौका था। मैंने अपनी नन से कहा कि तुम जाकर कार की पिछली सीट पर छुप जाओ। मैंने चौकीदार से कहा कि गेट खोलो, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, मुझे अपनी माँ के घर जाना है। चौकीदार ने तुरंत गेट खोल दिया। मैं गाड़ी सड़क पर ले आई। कुछ ही देर में हम एक घर के सामने खड़े थे। मेरी ननंद कहने लगी, भाभी आप घर चले जाए वरना हम फंस जाएंगे। लेकिन मैं उसे पूरे सुरक्षा के साथ घर के अंदर तक छोड़कर आना चाहती थी और उसकी दोस्त से मिलकर उसको कहना चाहती थी कि मेरी ननद का ख्याल रखना। मेरा इरादा यही था कि यहाँ से सीधा अपने घर जाऊंगी और अपने माँ बाप को अपने पति की सारी सच्चाई बताऊंगी, जो अपनी बहन का नहीं था। वह मेरा कैसे होता, यही सोचकर मैं गाड़ी से नीचे उतरी थी कि तभी गेट खोलकर एक लड़का बाहर आया। उस लड़के को देखकर मैं एकदम से चौंक गई थी। यह तो वही लड़का था जिसको मैंने अपनी शादी वाले दिन अपनी ननद के साथ कार में देखा था। जब महेंद्र को मैंने अपनी ननद पर इतनी सख्ती करते देखा था तो ये दिमाग मेरे ख्याल से निकल गया था कि उस दिन गाड़ी में मेरी ननद हो सकती है। मैंने सोचा कि वे कोई और लड़की होगी। मेरी ननद को इतनी आजादी कहा कि वे किसी लड़के के साथ अकेली गाड़ी में घूम सके। लेकिन आज जब मेरी ननद उस लड़के के पास आई और जब उस लड़के को मैंने देखा तो मैं चौंक गई कि वे यहाँ क्या कर रहा है। मेरी ननद गाड़ी के दूसरी तरफ से निकलकर मुझसे कहने लगी, भाभी यह मेरे दोस्त का भाई है, मैं अंदर जा रही हूँ, आप घर जाएं। लेकिन मुझे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। मैंने एकदम फैसला किया और अपनी ननद से कहा, गाड़ी में बैठो, हम वापस जा रहे हैं। लेकिन मेरे सिर पर आसमान गिर पड़ा जब मेरी ननद ने मेरा हाथ जोर से झटका और भागकर उस लड़के के पास जाकर खड़ी हो गई और कहने लगी, सॉरी भाभी, मगर अब मैं वापस नहीं जा सकती। मैं इस लड़के को पसंद करती हूँ और उसी की खातिर झूठ बोलकर आपको यहाँ लाई हूँ। अभी शायद मेरी ननंद कुछ और भी कहती, लेकिन उस लड़के ने मेरी ननंद को अपने पीछे किया और मेरी तरफ आते शैतानी हंसी हंसकर बोला, मगर मुझे तो तुम्हारी भाभी पसंद आ गई है, एक के साथ एक फ्री। मैं उस लड़के की बातें सुनकर घबरा गई। मेरी ननद भी एकदम चौंकी थी। वह लड़का उसी शैतानी हंसी के साथ बोला, मैं तो तुम्हारे लिए तड़प रहा था कि कब तुम आओ और मेरी प्यास बुझाओ, मगर अब देखो, अब तो तुम्हारे साथ साथ तुम्हारी भाभी भी फंस गई। इतनी देर में मैं गाड़ी से नीचे उतर आई थी और अपनी ननद का हाथ पकड़कर उसे गाड़ी में बिठाने लगी थी कि तभी उस लड़के ने मेरा हाथ पकड़ लिया और मुझे घर के अंदर खींचने लगा। मेरी ननद ने गुस्से में आकर उसके मुंह पर एक थप्पड़ मार दिया और कहा, धोखेबाज, तुमने मुझे धोखा दिया, तुम्हारी खातिर मैंने अपने इतने प्यार करने वाले भाई को धोखा दिया। जैसे ही मेरी ननद ने उस लड़के को थप्पड़ मारा तो उस लड़के ने फोन करके दो और लड़कों को बुला लिया। मुझे उन लोगों के इरादे खतरनाक लग रहे थे। मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वह मुझे और मेरी ननद को खींचकर अंदर ले जा रहे थे कि उसी वक्त पुलिस के सायरन बजने लगे। पुलिस के साथ साथ अपने पति को आते देखकर मैंने भगवान का धन्यवाद किया, जैसे मेरी जान में जान आ गई थी। पुलिस तुरंत उन लड़कों को पकड़ कर ले गई। मैं हैरान थी कि मेरे पति महेंद्र को तो मैंने नींद की गोलियां दे दी थी, फिर वो यहाँ कैसे आए। महेंद्र कहने लगा, मेरी बहन की महीनों पहले इस लड़के से मुलाकात हुई थी और वह इसके प्यार के जाल में फंस गई। जब मुझे पता चला तो मैंने इस लड़के के बारे में सारी जानकारी लेनी शुरू कर दी। अगर ये लड़का ठीक होता तो मैं अपनी बहन की शादी खुशी खुशी इस लड़के के साथ कर देता, लेकिन मुझे पता चला कि ये लड़का धोखेबाज है और करैक्टर का गिरा हुआ आदमी है। मैंने अपनी बहन को उस लड़के के बारे में सारी सच्चाई बताई, लेकिन मेरी बहन ने मेरा विश्वास नहीं किया, उल्टा उसकी बातों में आकर मुझ पर ही शक किया और घर से भागने की प्लानिंग करने लगी। तब तक
मेरी शादी का दिन आ गया, इसलिए मैंने उस पर सख्ती की और उसके कमरे में उसे बांधकर सोने लगा, क्योंकि ये दोबारा भागने की कोशिश कर चुकी थी और मैं नहीं चाहता था कि उस आवारा लड़के के हाथों ये अपनी जिंदगी बर्बाद कर ले। मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ और उसे बर्बाद होते नहीं देख सकता था। उसने तुम्हें जो कुछ भी बताया वह सब झूठ था। कल जब तुम दोनों प्लान बना रहे थे, तुमने मैंने सुन लिया था और फैसला किया कि तुम लोगों को जो करना है तुम कर लो, ताकि तुम लोगों को सब कुछ समझ आ जाए। तुम सब कुछ अपनी आंखों से देख लो, हो सकता है ऐसा करने से ही मेरी बहन को अकल आ जाए, क्योंकि इंसान को जब तक ठोकर न लगे वह बाज नहीं आता। इसलिए मैंने तुम लोगों को जाने दिया और वह गोलियों वाला दूध फेंक दिया था। मुझे यकीन था यहाँ कुछ ऐसा जरूर होगा, इसलिए मैं पुलिस को लिए तुम्हारे पीछे पीछे आ गया। ये सब कुछ सुनकर मैं शर्मिंदा हो गई थी। मेरी ननद भी सर झुकाए हुए आंसू बहा रही थी। वह हाथ जोड़कर कहने लगी, मुझे माफ कर दे भाई, इस लड़के की बातों में आकर अपना नुकसान करने चली थी। उसने मुझे धोखा दिया और मुझे आपके खिलाफ ही खड़ा कर दिया। मेरी ननद ने मुझसे भी माफी मांगी। मैंने और महेंद्र ने उसे माफ कर दिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था यही बहुत है। कुछ ही दिनों बाद हमने उसकी शादी कर दी। आज वो अपने घर में खुश है और मैं अपने पति महेंद्र के साथ खुश हूँ। मेरा पति महेंद्र एक अच्छा भाई होने के साथ साथ एक अच्छा पति भी है और साथ ही एक बहुत अच्छा इंसान भी है। ऐसे अच्छे इंसान किस्मत वालों को ही मिलते हैं और मैं बहुत किस्मत वाली थी कि महेंद्र जैसा पति मुझे मिला। दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर देना।